दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल में फाइंड माई फ़ोन बाय क्लैपिंग एप्लीकेशन को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। फाइंड माई फ़ोन बाय क्लैप रिजिटल एप्लीकेशन क्या और इसे कैसे इस्तेमाल करें, आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर के फाइंड माई फ़ोन बाय क्लैप इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। इसकी 1 मिलियन+ डाउनलोडिंग कंप्लीट है, 4.4 का स्टार है, 3+ रेटेड है। दोस्तों, आप अपने हाथों से क्लैप करके आप अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हो। अगर आपके घर में आपका फ़ोन कहीं पर भी पड़ा आपको नहीं पता है हो गया, तो आप क्लैप करके यहाँ पर अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हो। जैसे आप क्लैप करोगे तो एक साउंड प्ले होगा और उससे आप अपने फ़ोन को फाइंड कर पाओगे। इसे यूज़ करने के लिए जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल में इस ऐप को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद इस तरीके से आपको इस ऐप का यूज़र इंटरफेस शो करेगा। क्लैपिंग करने से गाइस आप अपने मोबाइल को फाइंड कर पाओगे। जैसे आप इसे ओपन करोगे, कुछ ऐड वगैरह शो होगी, तो यहाँ पर आपको ऐड क्लोज करने के बाद ये एप्लीकेशन ओपन होगी। लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। इसके बाद गाइस आपको ऊपर की ओर टिक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो फाइंड द लॉस्ट फोन इजीली क्लैप करके आप इजीली क्लैप कर सकते हो। यहाँ पर आप जो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यह एप्लीकेशन इस तरीके से आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी। यहाँ पर टैप टू एक्टिवेट है। यहाँ पर गाइस सबसे पहले आपको जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गाइस यहाँ पर अलाउ एक्सेस परमिशन को यहाँ से अलाउ करने के बाद यहाँ पर गाइस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और फिर से गाइस यहाँ पर हाउ टू यूज़ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो है क्लिक द एक्टिवेट बटन एंड इसके बाद डबल क्लैप टू योर कांट फाइंड योर फोन, डबल क्लैप करके आप अपने फ़ोन को फाइंड कर सकते हो। द ऐप विल डिटेक्ट द क्लैपिंग साउंड एंड स्टार्ट रिंगिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है अपने फ़ोन को फाइंड कर पाओगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो यहाँ पर गाइस अपने सबसे पहले तो एक्टिवेशन करना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है बिफोर एक्टिवेशन यू कैन सेट द फ्लैशिंग, एडजस्ट द वॉल्यूम एंड सेलेक्ट अलार्म साउंड। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक्टिवेट करना होगा। तो गाइस मैं यहाँ पर साउंड यहाँ पर ऐड कर ले, तो यहाँ पर जो भी साउंड आपको ऐड करना है आप चूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं आप जो है पुलिस रिजिस्टल में यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कुछ ऐड आपको दिख सकती है, तो यहाँ पर ऐड को आपको क्लोज करना होगा। तो सिंपली गाइस ऊपर की ओर आपको स्किप वीडियो पर क्लिक करके ऐड क्लोज करेंगे। यहाँ पर अगर आप इसे प्ले करना चाहते हो तो प्ले कर सकते हो। इस तरीके से साउंड यहाँ पर प्ले होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप ऐड करना चाहते हो तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। फिलहाल गाइस यहाँ पर मैं जो दूसरा वाला करके भी दिखा रहता हूँ, कार हॉर्न यहाँ पर आप मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, कार हॉर्न भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर आपको जो है ये ऐड शो करिए, ऐड के नीचे गाइस आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है, अप्लाई पर आपको क्लिक करना और यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद गाइस आप जैसे ही आप अपने मोबाइल को क्लैप करोगे तो गाइस आपका मोबाइल फाइंड हो जाएगा। तो मैं आपको करके दिखा लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर एक्टिवेट करने के लिए आपको टैप टू एक्टिव पर आपको इस पर क्लिक करने के बाद परमिशन को यहाँ से आपको अलाउ करना होगा। परमिशन अलाउ करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना, अब गाइस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो फिर से इस पर क्लिक करने के बाद आपका इस तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब जो एक्टिवेट हो चुका है। सो इस तरीके से आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों अगर आपका फ़ोन कहीं पर खो जाता है तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर क्लैपिंग करने के बाद यहाँ पर ये जो है साउंड प्ले हो चुका है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर साउंड प्ले हो चुका है। इस तरीके से आप अपने फ़ोन को क्लैप द्वारा फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसे बंद कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा यहाँ। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप जो है अगर आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके डीएक्टिवेट कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो।